हजरत शेख ने लिखा है, शेखुल अजीज मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का फिर भी अल्लाह का एहसान है, फजल है, अल्लाह ने हमें नमाज पढ़ने की तो तौफीक दी। फिर किसी ने कहा, हजरत मैं इतना अल्लाह का जिक्र करता हूँ, मैं स्वयं कलमा पढ़ता हूँ, फिर पता नहीं कब दुरूद शरीफ पर पहुँच जाता हूँ, फिर पता नहीं कब इस्तिगफार पर आ जाता हूँ, याद ही नहीं रहता कि कौन सी तस्बीह पढ़ रहा था, स्वयं कलमे की पढ़ रहा था या दुरूद शरीफ की पढ़ रहा था या इस्तिगफार की। तो हजरत शेख ने फरमाया, इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हारे एक वजू को अपने लिए इस्तेमाल करने की तौफीक दे दी, फिर भी इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन हमें वाकई हाजी साहब ने जो फरमाया, इतना अल्लाह अल्लाह करें अल्लाह का इंतजार हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, नफ्स को कौन काबू करेगा, गुनाहों से अपने आप को कौन बचाएगा। ये अल्लाह ने फरमा दी, वमन खाफ मकाम रब्बी ही वनहन नफ्स अनिल हवा, जिसको इसका खौफ होगा मुझे अल्लाह की हाजिरी देनी है और सारी जिंदगी का हिसाब देना है, मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना है, जवाब देना है, जिसको इसका इंतजार होगा वही अपने नफ्स को काबू कर सकता है, वही अपने नफ्स को काबू करेगा, इसके अलावा कोई और सूरत नहीं है। इतना अल्लाह का इंतजार हो जाए, ध्यान इतना जम जाए हमारे ऊपर, इतना इसको पकाएं कि हर वक्त ये ख्याल रहे अल्लाह देख रहा है, मैं देख रहा हूं या कम से कम अल्लाह तो देख रहा है, और कोई चीज अल्लाह से ढकी छुपी नहीं है, वो हमारे हर सकनात से वाकिफ है, दिल में क्या ख्यालात आ रहे हैं इससे भी अल्लाह खूब बाखबर है, वाकिफ है, खूब जानते हैं अल्लाह ताला। हाँ, ये और बात है कि अल्लाह ने हमारे साथ सत्तारी का मामला फरमाया।